वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो दोबारा हमारे साथ क्लासिक कार डेकोरा में होने वाली है। हमेशा की तरह नई नई गाड़ी आती है मॉडिफिकेशन के लिए, ऑफर्स के साथ आती है। जो वीडियो देख के आता है उसके लिए ऑफर्स राहुल जी ने पहले बता रखे हैं। तो आज हमारे साथ है निसान की मैग्नाइट, और कल की वीडियो में हमारे साथ थी निसान की मैग्नाइट सेम, बस कलर था ब्लैक, और आज की वीडियो में है वाइट कलर और साथ ही साथ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो और मैग्नाइट में जितने भी काम होने हैं दोनों वीडियो अलग अलग आएगी, दोनों की एक मैग्नेट का एक अलग मतलब वीडियो आने वाला है और एक स्कॉर्पियो का नया वीडियो आने वाला है। तो एक एक करके ये इस वीडियो में दिखाएंगे आपको मैग्नेट का सारा काम, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे स्कॉर्पियो का सारा काम। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या काम नहीं होना है इसमें। तो चलते हैं देखते हैं ये जो भैया क्या कर रहे हैं। तो भैया क्या काम कर रहे हो? स्टीरियो स्पीकर लगा रहे हो। तो भैया एक चीज़ बताओगे, ये जो स्पीकर्स होते हैं ये लगाए कैसे जाते हैं, जो आफ्टर मार्केट जो लगते हैं स्पीकर्स? ये जो स्पीकर्स होते हैं भैया, ये जो दुकान से लगाए जाते हैं यानी आफ्टर मार्केट से, जैसे कि अपनी दुकान पे लग रहे हैं, तो ये कैसे लगाए जाते हैं? ऐसे रख के वायरिंग होके, अभी पूरा काम करूंगा जब बता दूंगा। तो मतलब ये जो ये फॉर्म जो होता है, पहले ये पूरा था आपने मतलब इसके लिए वो बनाया स्पेस बनाया पूरा, ये फॉर्म का स्पेस बनाने के बाद ये स्पीकर्स, जैसे कि ये फॉर्म है, ये जो पूरा ऐसा कवर्ड होता है, फिर इसका स्पेस होता है स्पीकर्स का, पहले ये फॉर्म काट के और उसके बाद ये रहा जैसे कि अपना स्पीकर। तो ये स्पीकर्स ऐसे लगा दिए जाते हैं प्रॉपर, उसके बाद नट से, ये जो नट का स्पेस दिख रहा है आपको, ये नट कस दिए जाएंगे और स्पीकर से काम पूरा हो जाएगा। तो भैया करते रहेंगे। तो चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ कि आगे क्या काम हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी पूरी खुली पड़ी है आगे से। तो भैया से पूछते हैं, तो भैया क्या काम कर रहे हो आगे? DRL, कौन से कंपनी वाले DRL? अच्छा ये डब्बा का भैया, कौन से वाले भैया? ये वाले, अच्छा ये DRL वाले अपने आगे लगने, जो एक बार दिखा दो मैं आपको किधर लगने, बताना एक बार भैया, ये जो इधर लगेंगे अभी है। अच्छा अंदर से फिटिंग होगी प्रॉपर, कंपनी वाले देते वैसी वाली। इनबिल्ट इंडिकेटर भी है। अच्छा इनबिल्ट इंडिकेटर भी है सेम इसमें, और साथ में कनेक्शन होगा जिसमें वाइट LED। अच्छा इनबिल्ट इंडिकेटर के साथ चाबी के साथ कनेक्शन भी होता है और साथ में वाइट लाइट भी वो मतलब वो करता है। अच्छा बहुत बढ़िया। और जो भी फॉग लाइट है जो इसमें लगनी है कौन सी वाली? तो यहाँ पे जो कैमरा लगना है उसके लिए होल भैया ने कर दिया है, ड्रिल से होल होता है ये, एक मिनट देख लीजिए यहाँ से। और यहाँ पे और भी मतलब सेम इसी साइड पे जो होल होता है यहाँ पे कैमरे की फिटमेंट होती है। तो भैया यहाँ पे जो कैमरे की फिटमेंट कैसी हो जाती है, मतलब उसी जो जो ड्रिल से आप छेद करते हो बिल्कुल उसी साइज़ की होती है ना? हाँ जी, जो कैमरे की वो फिटमेंट होती है, तो कोई हल्का सा भी कोई ढीला नहीं, मतलब बिल्कुल फिट वाली है जो कंपनी वाला फील। हाँ जी। तो ये भैया कैमरा लगाने में कितना टाइम लग जाता होगा? 20 मिनट। 20 मिनट में कैमरा लगा देते हो पूरा, चाहे वो कोई सा भी हो, कोई सी भी गाड़ी हो। तो जैसे कि राहुल भैया मिल चुके हैं, तो राहुल भैया क्या हाल चाल? तो राहुल भैया आज दोबारा मैग्नेट आई है मैंने सुना है। तो एक बार जैसे कि दिखा दूँ, ये होने वाली अपनी मैग्नेट, आज वाइट कलर आया मैग्नेट का, कल वाली वीडियो में जो था वो ब्लैक कलर आया था। तो राहुल भैया बताइए जरा गाड़ी के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मतलब इतना हैवी मॉडिफिकेशन आज हुआ नहीं है, आज नॉर्मल काम हुआ। अच्छा जैसा कि वह टाइम दिखा दूँ मैं, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, टाइम अभी मतलब शॉप क्लोज होने वाला टाइम है, लेकिन फिर भी गाड़ी में काम कर रहे हैं ना भैया। तो अभी सारा ऐसा टेक्निकल काम हो चुका है, तो कल होना है जो मेन काम होना है।
तो इसमें डेप्स का स्टीरियो डाला है 232 जेन्युइन वाला विद ग्लॉसी फ्रेम के ग्लॉसी फ्रेम भी लगाया। एक बार मैं पास से दिखाना चाहूंगा। तो ये होने वाला अपना डेप्स का स्टीरियो 232 ओरिजिनल होने वाला है, बिल्कुल 232। ये नहीं कि डब्बे पे डाला हो और सिर्फ, मतलब एक होता है डब्बे पे डाला हुआ होता है पर वो 232 होता नहीं, ओरिजिनल कॉपी होता है ना भैया। तो वो एक 32 होता है, कितना होता है वो, या फिर 116 होता है जो ऐसा, जब डब्बे पे जो लिखा होता है वो 232 पर अंदर से होता नहीं है, कई ऐसे डुप्लीकेट आते हैं। हाँ वो होता है, बहुत सारे दुकानदार ऐसा करते हैं, चीज़ कुछ और दिखा कुछ और देते हैं। जेन्युइन 232 शो भी आपको डिस्प्ले पे 232 ही रहेगा। जो लोकल होता है कुछ दिन बाद आपको नॉर्मली ऑटोमेटिकली 132 शो करने लग जाएगा। अच्छा, मतलब बस पहले नया नया होता तब शो करता है। बाकी अगर मैं बताना चाहूँगा जिसको नहीं पता, मतलब ये चेक कैसे करते हैं, तो प्ले स्टोर पे एक ऐप आता है CPU-Z नाम से, आप उसे इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि आपके स्टीरियो की जो भी जानकारी है सारा बता देता है। तो और बताइए राहुल भैया, और क्या टेक्निकल काम हुआ? चारों में स्पीकर डाले हैं, चारों दरवाजों में स्पीकर हैं फिर, या फिर कॉम्पोनेंट डाले हैं? स्पीकर डाले हैं अलग से, हमने इसमें ट्यूटर डाला है, इसमें स्पीकर डाले हैं। स्पीकर मतलब ऐसा कॉम्पोनेंट क्यों डाले इस वाली गाड़ी में? हर गाड़ी में तो आप कॉम्पोनेंट डालते हो। अच्छा, उनकी डिमांड थी, ऐसा कोई हैवी नहीं चाहिए था, ऐसा नॉर्मल साउंड चाहिए था, ऐसा फैमिली वाली गाड़ी। मोटी क्यू का हमने स्पीकर डाला इसमें 6 इंची के चारों दरवाजे में। मोटी क्यू का स्पीकर डाला है इसमें 6 इंची, 6 इंची होता भैया चार दरवाजे में, मतलब ये ऐसी नॉर्मल आवाज़ करी या फिर इनकी आवाज़ भी अच्छी होती है? साउंड इसका भी अच्छा है, बस कॉम्पोनेंट वाले से थोड़ा सा कम फील है। अच्छा एक बार मैं आपको डोर वाइजर दिखा दूँ, तो ये होने वाला है अपना डोर वाइजर क्रोम फिनिश वाला, एक बार से पन्नी हटाए थे। और ये हटा दिया भैया ने पन्नी, ये लो भाई एक बार फिनिशिंग देख लो। 4 मैग्नेट भी ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कंपनी वाले खुद यहीं देखे गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया अपना काम करना। तो ये होने वाला डोर वाइजर, अभी डोर वाइजर लग रहा है चारों दरवाजों पे। ये रहे हमारे भैया जो डोर वाइजर लगा रहे हैं। चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, तो दिखाते हैं। एक तो पहली बात, अभी गाड़ी खुली है, तो राहुल भैया जरा बताइए क्या हुआ है फ्रंट प्रोफाइल में? फ्रंट में हमने LED डाला है। फ्रंट में LED डाली है, ये कौन सी होने वाली है LED, जला के दिखाओ भैया। तो भैया ने जला दी ये LED लाइट, तो एक बार रोशनी देख लो यार, सामने देख लो, इतना पता नहीं चलेगा कि सामने दीवार है। और अगर एक बार रोड की तरफ हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा कोशिश करके, जब गाड़ी आएगी तो इसकी रोशनी कैसे होने वाली है। तो भैया ये क्या नई सी चीज़ डाल ली है? DRL डाला है, जो जेन्युइन होता है उसके अंदर इंडिकेटर नहीं होता, नॉर्मली आपको लाइट शो करता है बहुत नॉर्मल चीज़ में। अच्छा तो ये मतलब इसके 2 कलर है इसमें? इसमें हमने काफ़ी मतलब मेहनत करी इसको मंगवाने में, ये मतलब जल्दी अवेलेबल नहीं होता, ये जल्दी अवेलेबल नहीं होता, ये आपने कर दिखाया, लेकिन डिमांडेबल चीज़ है ये, देखिए ना आप यार, एक बार देख लो जैसे कि। तो भैया अच्छा ये इंडिकेटर जल रहा है, अभी नॉर्मल जलाएंगे तो ये नॉर्मल इंडिकेटर भी शो करेगा और नॉर्मल व्हाइट लाइट भी देगा। अच्छा ये अभी इंडिकेटर वाले मोड पे है, फिर नीड ही नहीं पड़ती है लगाने के बाद। तो अच्छा अभी इंडिकेटर वाले मोड पे, अभी नॉर्मल जलाएंगे तो ये व्हाइट रोशन मतलब वही करेगा रोशनी, है ना? मैं आपको जला के दिखा दूँ, एक बार जला के दिखा दीजिए भैया। ये बंद कर दिया भैया ने इंडिकेटर, और एक बार लाइट देख लो यार, ये लाइट होने वाली है, इतनी तेज लग रही है आंखों में, इतनी तेज लग रही है, आपको कैमरे में इतनी दिख रही होगी। तो ये अपने इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर का भी वर्क करती है लाइट, और नॉर्मल एक जो LED जो करती है DRL करती है वो सारा काम एक साथ करती है, प्लस इसमें पार्किंग भी शो करती है, जब हम पार्किंग ऑन करते हैं तो इसमें पार्किंग भी। अच्छा पार्किंग भी शो करती है, बहुत बढ़िया भैया। और बताइए भैया, इसमें हमने क्रोम डाला है ग्रिल क्रोम, इसमें ग्रिल क्रोम का भी काम हुआ है, एक बार क्लियर देख लो यार, पूरा स्टील वाला फील आता है। साथ में अलॉय भी होने वाले हैं, डायमंड कट अलॉय होने वाले हैं चारों व्हील्स साथ के साथ। जैसा कि एक बार मैं आपको क्लोज से दिखाता हूं, तो ये अपने अलॉयज होने वाले हैं 16 इंचेस वाले डायमंड कट के साथ। और एक कैमरे की जो फिटमेंट होती है, मैं पहले आपको दिखा देता हूं उसके बाद ही बताना। कैमरा चेक करो, बिल्कुल कंपनी जो फिट करके देती है ऐसा कैमरे फिटिंग करिए। और एक बार कैमरे की मैं आपको क्वालिटी भी दिखा दूंगा आपको भैया से बोल के। तो राहुल भैया एक बार कैमरे की क्वालिटी दिखा दीजिए, चलते गाड़ी के अंदर और दिखाते कैमरे की क्वालिटी कैसी होने वाली है, और स्टीरियो की क्वालिटी भी दिखाएंगे। तो ये होने वाली अपनी कैमरे की क्वालिटी प्रॉपर, अभी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है ना। तो आज की वीडियो में जो था सारा मैंने आपको दिखा दिया, सारा काम हो चुका है, कैमरा था और नॉर्मल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वर्क था, जितना भी मेन काम था बाद में हो जाएगा तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी जो काम था, एक DRL था और LED लाइट्स थी, अलॉय व्हील थे,
और स्टीरियो था हमारा, और क्या कहते हैं हमारा कैमरे का जो वर्क था वो भी हो चुका है। बाकी स्पीकर्स इसमें लगे हैं, कंपोनेंट भैया की चॉइस नहीं थी, भैया को नॉर्मल स्पीकर्स लगवाने थे ऐसे ही टेम्प्रेरी काम चलाने के लिए, तो उसके बाद वो देखेंगे बाद में। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं एक नई वीडियो में दोबारा। धन्यवाद।